मैं आमतौर पर इस बात के लिए कोई अपील नहीं किया करता कि आप किसको वोट दें। खासतौर पर मैं दो कैंडिडेट्स के लिए आपसे अपील करूंगा। आप सबसे बहुत खास तौर पर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सीट पर SDPI के कैंडिडेट BR भास्कर प्रसाद को भारी वोटों से जिताइए। इसी तरह मैसूर की जो सीट है उसमें अब्दुल मजीद नाम के कैंडिडेट SDPI की तरफ से उतारे गए हैं। कर्नाटका के इंतखाबात के पेश नज़र हिंदुस्तान की मारूफ आलिम दीन व बुजुर्ग शख्सियत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कर्नाटका इलेक्शन के बिल्कुल करीब SDPI के दो उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, जिसमें मैसूर NR छेत्रा से अब्दुल मजीद और दूसरे बेंगलुर पुलकेशी नगर असम्बली से BR भास्कर प्रसाद को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सज्जाद नोमानी इस वक्त कर्नाटका स्टेट के वोटर्स से एक ज़रूरी बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कर्नाटका का ये इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट असेंबली का इलेक्शन नहीं है, बल्कि देश के रुख को बेहतर बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पहली रिक्वेस्ट मेरी आप सब से ये है, मर्दों से, औरतों से, नौजवानों से, जो वोटर हो चुके हैं, लड़कों और लड़कियों से, प्लीज़ इलेक्शन के दिन वोट देने के लिए ज़रूर निकलिए, अपना वोट ज़रूर डालिए। नंबर दो, मैं आम तौर पर इस बात के लिए कोई अपील नहीं किया करता कि आप किसको वोट दें। आप खुद जानते हैं कि कर्नाटका का कितना नुकसान हुआ है पिछले 5 साल में, और अब रिजीम चेंज की सख्त ज़रूरत है। कुछ ऐसे पार्टियां आएं जो देश के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्टेट ऑफ कर्नाटका को चलाएं। कर्नाटका की शोहरत थी भाईचारे की, पीस की, लेकिन अब कर्नाटका बदनाम होता जा रहा है। आप बदनामी के इस धब्बे को ज़रूर मिटाइए। ख़ास तौर पर मैं दो कैंडिडेट्स के लिए आपसे अपील करूंगा। SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट के लोग, क्रिश्चियंस, सिख, सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्टी में, और सबको उनकी इज्जत मिलती है, उनको ओहदा मिलता है। SDPI ने इस मरतबा जो बेंगलोर की सीट है पुलकेशी नगर, उससे अपने जनरल सेक्रेटरी BR भास्कर प्रसाद को खड़ा किया है। ये शेड्यूल कास्ट के एक बड़े लीडर हैं और डाउन टू अर्थ एक इंसान हैं, गरीब परिवार से इनका ताल्लुक़ रहा है। SDPI ने इनको इतनी अहम जगह से खड़ा करके एक मैसेज दिया है। तो मैं इस वक्त आप सबसे बहुत ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस सीट पर SDPI के कैंडिडेट BR भास्कर प्रसाद को भारी वोटों से जिताइए। ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इस बात का कि मुसलमानों का अपने दलित भाइयों से कितना ताल्लुक़ है, और सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि देश की तरक्की चाहने वाले सब लोग अब क्या बदलाव चाहते हैं। इसी तरह मैसूर की जो सीट है उसमें अब्दुल मजीद नाम के कैंडिडेट SDPI की तरफ से उतारे गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक नीट एंड क्लीन उनका कैरियर है, बहुत अच्छे साफ दिल के इंसान हैं। ये अगर आपकी नुमाइंदगी असेंबली में करेंगे तो कमज़ोरों की आवाज़ उठाएंगे। आप इनको वोट दीजिए और एक बदलाव की तरफ एक बड़ा ठोस कदम उठाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।